Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम LCM का प्रोग्राम बना सकते हैं और आई होप कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लॉजिक कैसे बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. LCM हो या कोई भी प्रोग्राम हो आपको बनाना हो उसके लिए लॉजिक हमें जो बनानी है उस पर आपको काम करना है. तो पहले तो प्रोग्राम देखते हैं हम कैसे हम बना सकते हैं, इसके बाद हम कई नंबर्स के LCM का प्रोग्राम किसी अलग वीडियो में ज़रूर देखेंगे. अभी ये प्रोग्राम जो है, जैसे आप कोई भी, जैसे आप अगर बात करें तो C लैंग्वेज पे आपने समझ लिया तो आपके लिए C++ और जावा दोनों आसान हो जाएगी. अगर आपने जावा पे समझ लिया तो भी आपके लिए C लैंग्वेज और C++ दोनों आसान हो जाएगा. बहुत हद तक काम हमारा आसान तो हो ही जाता है अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक से सीखते हैं. तो चलिए हेडर फाइल बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h hash include conio.h hash include conio.h. ओके, यहां void main हमारा main function है. void एक keyword होता है जो कोई भी value return नहीं होने देता है, ठीक है. यहां integer हमने ले लिया है x, y, z, ये तीन इंटीजर हमने बनाए हैं. और यहाँ पर स्क्रीन, ताकि स्क्रीन क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि पुराना आउटपुट हटता रहे. जो हमने पुराना प्रोग्राम बनाया था इस पर चला रहा होगा वो आउटपुट ना आए, इस पर हमारा जो आउटपुट है वो आए, इसके लिए CLR SCR. चलिए आगे बात करते हैं. स्क्रीन पर हम देखना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम रन होते ही स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है वो हम देखना चाहते हैं. तो वो है एंटर टू नंबर्स, ठीक है. तो दो नंबर्स के LCM का ये प्रोग्राम है, ठीक है. तो दो नंबर्स यहाँ आ रहे हैं. अब यहाँ पे लगाएंगे scanf, तो scanf लगाते हैं, scanf, ठीक है, %d%d, ठीक है. अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, ये लगा दिया हमने. यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप, तो फॉर लूप लगा दिया हमने. अब देखिए तीन हमने लिया है तो Z में जा कर के हमारी LCM वाली वैल्यू स्टोर होगी. तो Z की जो Z को जो है हम इनिशियलाइज कर देते हैं पहले ही, ठीक है. और इनिशियलाइज करते ही समय उसमें वैल्यू हम असाइन करेंगे, ठीक है. तो Z को पहले इनिशियलाइज करते हैं. Z इज इक्वल टू X लिखा हमने, ठीक है, इज ग्रेटर देन Y, ठीक है. अगर x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, तो ये देखिए ये कंडीशनल ऑपरेटर है. ये काम क्या करेगा, यहां पे मैं लिखता हूं x और ये y, ठीक है, ये लगा दिया हमने. तो कंडीशनल ऑपरेटर जो हमने लगाया है वो काम क्या करेगा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये काम क्या करेगा, ठीक है. तो देखिए जो ये हमने कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है ना, इसको पहले मैं बंद कर देता हूं. इससे क्या होगा, एक मिनट, इसमें एंटर, यहाँ पे ये हटा दिया हमने. हाँ, अब इसके आगे भी कर देते हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए ये हो गया, अब फिर यहाँ पर Z, ठीक है, क्योंकि Z में जाके वैल्यू स्टोर हो रही है तो Z लगाया हमने. Z इज लेस देन और इक्वल टू A इंटू बी, जो भी होगा A इंटू बी से इनके दोनों, सॉरी x इंटू वाई से क्या होगा, x इंटू वाई से ये लेस होगा, ठीक है, कम होगा. LCM कभी भी दो नंबर्स का आप निकालते हैं तो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से कम, मतलब मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो वही चीज है, ठीक है. अब यहां पर z++ करेंगे, ठीक है, तो ये z++ कर दिया हमने, ठीक है. इसके बाद अब हम इफ एल्स की कंडीशन देंगे, ठीक है. इफ z मॉड्यूलस, यहां पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे हम, x इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहां पे लगाएंगे लॉजिकल एंड, ठीक है, z मॉड्यूलस y इक्वल टू जीरो. अगर ऐसा होता है तो क्या हो, यहां पे सिंपली हम लगा देंगे ब्रेक. ब्रेक एक कीवर्ड है जिससे लूप के बाहर आ जाएंगे हम.
अब नीचे क्या लगाएंगे वो समझने वाली बात है, यहां लिखेंगे printf, ठीक है, और printf लिखने के बाद यहां देंगे %d, चूंकि %d इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, तो यहां लिखेंगे %d इज LCM, ठीक है, %d इज LCM लिखने के बाद यहां पर हम L लगा देंगे और इसको यहां से टर्मिनेट कर देंगे और देन यहां पे गेट सी एस लगाएंगे, ठीक है, और जैसे ही गेट सी एस लगाएंगे तो यहां कर्ली ब्रैकेट को भी क्लोज करना होगा, अब इसको सेव करना है, ठीक है, तो चूंकि हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है तो यहां लिखेंगे हम जो भी, जैसे मान लीजिए लोवेस्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, और डॉट सी लगाना जरूरी है, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन होता है डॉट सीपीपी, वही ले लेगा अगर आपने डॉट सी नहीं लगाया तो। अब इसको कंपाइल करता हूं तो यहां देखिए एक एरर आ रही है, यहां पे देखिए ये यहां पे जेड होगा, बस हो गया। अब इसको सेव करता हूं और यहां पे कंपाइल करता हूं तो ये सक्सेस हो गया, और इसको रन करता हूं तो ये भी सक्सेस हो गया। अब जैसे ही रन किया मैंने तो यहां दो नंबर्स को देना है, तो यहां पे दो नंबर दे दिए हमने, 7 और 7, तो इसका एलसीएम जो है 7 आया, ठीक है, 7 का एलसीएम तो 7 ही होगा। अच्छा चलिए फिर दूसरा नंबर देखते हैं, इसको रन करवाते हैं, यहां पे मैं देखता हूं 45 और 7, तो 45 और 7 का एलसीएम जो है 315 आ गया, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं 48 का एलसीएम जो है 8 आया। तो इस तरह से आप एलसीएम के लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। अब मैं आपको यहां पर यह भी दिखाऊंगा कि हम कैसे सी प्लस प्लस में भी इसी तरह का